हेलो सर, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिए ना। हाँ, ओके, शुरू शुरू हो सुमित जी को क्या प्रॉब्लम होता है? एक सेकंड देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होगी उनको। अच्छा ठीक है, देखो ज्वाइन हो जाएगा उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इक्विटी डेरिवेटिव। हाँ सर, तो आज हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में क्या बात करेंगे? सर, हम लोग प्रीवियस क्लास में, इन आवर प्रीवियस लेक्चर, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पुट, है ना? यस सुमित जी, आवाज आ रहा है अभी? सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपका आवाज आ रहा है। स्क्रीन शेयर दिखूंगा स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, मुझे नहीं दिख पा रहे आप? नहीं, मतलब एक स्क्रीन पॉपअप आता है ना, खराब आ रहा है सर। और एक बार रिजॉइन कीजिए, कुछ नेट नेटवर्क नहीं, आपका नेट का इशू चल रहा है, नेट बहुत स्लो आप चल आपका नेट का इशू है। हाँ, वही मैं देख पा रहा हूँ। रहा है। खराब आया, तो स्लो ठीक चल है, रहा है, आ रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, खत्म हो नेट का इशू है। ठीक है, देखिए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा करेंगे। ठीक। अच्छा, तो बेसिकली तो मुझे थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो बेसिकली जो बात मैं कर रहा था कि हम लोग पुट ऑप्शंस पे बात कर रहे थे, और पुट ऑप्शंस में जब कोई बायर होता है, ठीक है, जैसे कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आज मैं आपको पुट ऑप्शन सेलर की तरफ से थोड़ा बात करूंगा, और फिर कॉल पुट को समारी करूंगा। मतलब कॉल पुट मतलब कॉल ऑप्शंस बायर सेलर, जैसे कि अजय बेनू का एग्जांपल। सिमिलरली लास्ट वीक, मतलब लास्ट क्लास में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोगों ने पुट ऑप्शंस बायर के तरफ से भी देखा कि पुट ऑप्शंस बायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। जब आप अपने आप को मार्केट में, जब भी आप देखोगे पीई नजर आता है ना, पीई मतलब पुट ऑप्शन, ठीक है, सी मतलब कॉल ऑप्शंस। तो जब आप पीई या सीई जो भी आप देखो, सी मतलब कॉल ऑप्शंस, इतना आपको पता चल ही गया, और ई लिखा होने से आपको समझ में ही आना चाहिए, ठीक है, और ई होने से क्या हुआ? सुमित जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अरे मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं क्लास के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो बात मैं कर रहा था सर, पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा पुट ऑप्शन सेलर की तरफ से सोच लेते हैं कि एक पुट ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, और फिर मैं आपको कॉल एंड पुट दोनों को मर्ज करके एक साथ बताऊंगा कि किस तरह से आप मार्केट में इन एनी टाइम कौन से परसेप्शन में जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, और उनको एक समरी करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या बताना है। पहले पुट ऑप्शंस सेलिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर, देखिए सर, एज यू ऑल कैन सी हियर, पुट ऑप्शन बाई हम लोगों ने देखा। अब आराम से थोड़ा पुट ऑप्शन सेलिंग को भी समझ लेते हैं, ज्यादा दिमाग का बात नहीं है सर, थोड़ा समझने का मैटर है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बिल्डअप करना है कि पुट ऑप्शन सेलर को क्या सोचना पड़ता है जब हम लोग चाहे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन चेन देख पा रहे हैं, यहाँ पर इधर कॉल है, इधर पुट है, ये बैंक निफ्टी है जिसका एज ऑन 4 अगस्त आज के डेट में करेंट प्राइस के हिसाब से इसका अंडरलाइन चल रहा है 38,158 का। और अगर कोई बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शंस सेल करता है, ठीक है, तो उसको क्या सोच विचार करना चाहिए? सिंपल सा बात है, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस से वो बाई या सेल करेगा, बेसिकली सेल करेगा, और
जो भी वो सोचेगा उसका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, मतलब सिंपल बात है सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पुट ऑप्शन बायर मैंने लास्ट क्लास बताया, बायर के बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पूरा कंसिडरेशन सेलर पे रखिए, और बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में या परसेप्शन में कितना डिफरेंसेस होता है ये भी आप पेशेंसली समझिए, ठीक है, कि कब आपको सेलर बन जाना चाहिए और कब आपको बायर बन जाना चाहिए। अच्छा, जब बात कॉल के बारे में हुआ था, ठीक है, जब बात मैं कॉल के बारे में किया था तो कॉल में भी बायर था, कॉल में भी सेलर था, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है सर, ये मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल में एक एग्जांपल दिया था कि एक ही कॉइन का दो पहलू है, ठीक है। एक कॉइन का, अगर एक 1 रुपी का कॉइन है, ठीक है, तो अगर 1 जिधर लिखा होता है वो अगर हेड है, सॉरी टेल है, तो जिधर अशोक स्तंभ होता है वो हेड होता है नॉर्मली, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि कॉइन का दो पहलू है, ठीक है, एक सिक्का का दो पहलू, ठीक है, एक हेड होगा तो दूसरा टेल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एज ए कॉल ऑप्शन बायर, एज ए कॉल ऑप्शन सेलर, ठीक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस नजर आया है, वैसा ही पुट ऑप्शंस में भी हमें बायर और सेलर के बीच में डिफरेंसेस नजर आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली चलो मैं आपको दूसरे ऑप्शन चेन के एग्जांपल्स यूज करके आपको दिखाता हूँ कि एक ऑप्शन सेलर को, पुट ऑप्शन सेलर को, बेसिकली कॉल ऑप्शन नहीं, एक पुट ऑप्शन सेलर को क्या सोच विचार करना चाहिए। तो previously we understand an option seller and buyer are like two side of the same coin, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, they have diametrically opposite view, ठीक है, इनका जो point of view है ये diametrically opposite view वाला मतलब concept चलता है। ये अगर market के बारे में upside सोचता है तो दूसरा market के बारे में negative side सोचता है ना sir? एक अगर market के बारे में positive सोचता है तो दूसरा market के बारे में नेगेटिव सोचता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ऑप्शंस है, ये सी मतलब कॉल ऑप्शंस, ठीक है। मैं सी से ही आपको दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। आप नॉर्मल निफ्टी को ही देख लीजिए, ठीक है, अब नॉर्मल निफ्टी को ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग मार्केट के बारे में परसेप्शन बनाएंगे, अगर कॉल ऑप्शंस मतलब सॉरी पुट ऑप्शंस बायर क्या सोचता है, पुट ऑप्शन बायर का मेंटेलिटी ऐसा होता है सर, पुट ऑप्शन बायर का मेंटेलिटी या परसेप्शन ऐसा होता है कि मार्केट आगे गिरने वाला है, जो मैंने लास्ट दिन समझाया। बट पुट ऑप्शन सेलर ऑपोजिट सोचेगा, मतलब मार्केट बढ़ने वाला है, मतलब एक बियरिश सोच के साथ अपने आप को बनाता है तो दूसरा बुलिश सोच के साथ अपने आप को बनाता है, ठीक है। और यही अलग डिफरेंट जो मेंटेलिटी होता है यही मार्केट को मार्केट भी बनाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो गोइंग बाय दिस, इफ द पुट ऑप्शंस बायर इज बियरिश अबाउट द मार्केट, अगर पुट ऑप्शंस बायर बियरिश है, सेलर मस्ट बी बुलिश व्यू ऑन द मार्केट, मतलब उसका परसेप्शन ये रहेगा कि भाई आज बैंक निफ्टी बढ़ेगा या फिर आज निफ्टी बुलिश होगा, ठीक है, या फिर नॉट जस्ट आज एक्सपायरी तक। जैसे अगर किसी ने 17 जुलाई को सोचा है कि भाई निफ्टी बढ़ने वाला है, ठीक है, निफ्टी में इंक्रीमेंट आने वाला है, तो फिर वो सेलर बनेगा। और लेकिन अगर कोई मानी है कि जून के स्टार्टिंग में अगर किसी ने सोचा था कि मार्केट गिरने वाला है तो वो बायर बनेगा। पुट के बारे में बोल रहा हूँ सर, ठीक है। तो नाउ एक पुट ऑप्शंस बायर का सोच मार्केट के बारे में बेयरिश होना होता है, तभी वो बायर होता है। और एक पुट ऑप्शन सेलर का सोच, एक सेलर का मेंटेलिटी मार्केट के बारे में बुलिश होता है, तभी वो मार्केट में पुट ऑप्शन का सेलर बन, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, अब इसमें ये समझना है सर, सिंपल सा चीज है बट ये सिंपल चीज ही कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ लाइव चार्ट को ही मैंने यहाँ पर दिया गया है सर, अब उसी को मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा देखो। क्लियरली पुट ऑप्शन सेलर मस्ट हैव बुलिश व्यू ऑन द मार्केट एंड रिकलेक्ट वी लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट। हम लोग लास्ट
पुट ऑप्शन बाइक में भी बैंक निफ्टी का चार्ट देखे थे इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब जहां पर हम लोग पुट ऑप्शंस बाइंग के बारे में बात किए थे, हम लोग सेम चार्ट को फिर से देखते हैं, बट इस बार हम लोग ऑप्शन बायर के तरफ से नहीं ऑप्शन सेलर के तरफ से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग थोड़ा नजर देंगे तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा आपको यहाँ पर बस इतना कहना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पुट ऑप्शन सेलर का थॉट प्रोसेस जो बनता है, पुट ऑप्शन सेलर का थॉट प्रोसेस, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कि करेंट मार्केट प्राइस 18,417 चल रहा था, ठीक है, मतलब जो मार्केट में उस टाइम पे, ये पुराना डेटा है सर, तो मार्केट में ये चल रहा था 18,417 पे, ठीक है, ये इसका मार्केट प्राइस था, मतलब स्पॉट मार्केट का इसका अंडरलाइन था, ठीक है। जैसे आज के डेट में बैंक निफ्टी का अंडरलाइन मैंने आपको अभी दिखाया ना, आज के डेट में बैंक निफ्टी का अंडरलाइन चल रहा है सर 38,158.60, ठीक है, और ये थोड़ा पुराना डेटा है, 18,000 का डेटा चल रहा था। डजंट मैटर, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहा हूँ कि आपको एक सेलर होने के नाते, एक सेलर होने के नाते आपका परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू किस तरफ होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी जब 18,417 चल रहा था, टू डेज एगो बैंक निफ्टी टेस्टेड इट्स रेजिस्टेंस लेवल 18,550, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो दिन पहले बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस लेवल को टच करके आया, ठीक है। ये अगर रिसेंटली चल रहा है, ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली इसका रेजिस्टेंस एरिया को बताता है। सेम पॉइंट हम लोग ऑप्शंस बाइंग में भी देखा था, आपको भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, बिकॉज सेम चार्ट, सेम एवरीथिंग सेम, ठीक है, वही चार्ट को बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग में जाओगे ना, आपको फिर से वही चार्ट दिखेगा जो चार्ट मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहा हूँ। सर कहने का मतलब यही है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के लिए मैं आपको क्या बोला कि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट समझना है तो आप एक बार प्लीज टेक्निकल का क्लास देखें, वहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में मैंने काफी डिटेल्स में बात की, ठीक है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? सपोर्ट लेवल होता है जो मार्केट कम से कम नीचे कितना तक आ सकता है उसके बेसिस में सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन बनाया जाता है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये सपोर्ट नहीं है सर, सपोर्ट में ना कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है। मतलब जैसे मानो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए आप, मतलब जहाँ पर मार्केट काफी दिनों तक होल्ड कर जाता है एक सर्टेन गैप छोड़ के। से फॉर एग्जाम्पल अगर दिसंबर से जनवरी लुक एट द सिचुएशन, मिड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर, ठीक है, मिड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर, ये जो जोन बना यहाँ पर, इस जोन में अगर आप देखें तो मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में काफी दिन तक चला है। उसके बाद फिर मिड ऑफ दिसंबर से जनवरी के एंड तक अगेन मार्केट एक सर्टेन लेवल तक काफी दिनों तक होल्ड किया है। उसके बाद मार्केट में एक रिसेंट ब्रेकआउट जैसा नजर आया था, मतलब बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही उछला था, ठीक है, ड्यू टू सम मार्केट रीजंस, ड्यू टू सम इकोनॉमिक डिसीजंस, बट इसको आप रेजिस्टेंस मत समझिए, ये तो मार्केट का वोलेटिलिटी है। ये जो मार्केट में उछाल आया था ये मार्केट का वोलेटिलिटी है, ठीक है। इस वोलेटिलिटी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट स्टेबल तो नहीं हुआ ना। अगर यहाँ पर जाके मार्केट स्टे हो जाता तो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल शायद बदल जाता, बट मार्केट यहाँ पर स्टे नहीं किया, बैंक निफ्टी 20,000 में स्टे नहीं किया सर, गया और आया, लेकिन वापस देखिए मार्केट वापस स्टे किया इस जोन पे, दैट इज फेब्रुआरी टू मार्च, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बैंक निफ्टी वापस उसी रेंज में काफी दिन तक कंसेंट्रेट किया। अब ये जो इसका परफॉर्मेंस जोन है, ये जो परफॉर्मेंस जोन है जो बार बार वो जाता है और वहां से नीचे आता है, तो ये रेजिस्टेंस बना के रखा है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बना के रखा है। और करेंट प्राइस जो है वो टू डेज बैक, मतलब ये आज अगर मान के चलिए 18,417 बैंक निफ्टी है, जो आज का डेट में अलग है वो अलग बात, बट एज आवर एग्जाम्पल, इन आवर करेंट एग्जाम्पल, इफ बैंक निफ्टी इज 18,417 टूडे, देन टू डेज बिफोर ये जो रेड साइन दिख रहा है आपको, टू डेज बैक ये अपना पुराना रेजिस्टेंस लाइन पे, पुराना नहीं मतलब करेंट रेजिस्टेंस लाइन पे 18,550 में ट्रेड हो रहा था। तो 18,550 दो दिन पहले था, बट आज 18,417 है, तो इतना तो कहना नॉर्मल है सर
कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है करेंटली, मतलब रेजिस्टेंस लेवल से नीचे जा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ऐसे हालत में एक ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर नहीं बोलेंगे, ऑप्शन दो तरह का है, कॉल है पुट है। मैं आपको एक पुट ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। माई ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड पुट ऑप्शन सेलर का ऑब्जेक्टिव, ऐसे हालत में वो क्या सोच रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल को ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखाया जा रहा है, एंड हम लोग उसको कंसेंट्रेशन जोन को हम लोग ब्लू बॉक्स से बंद किया है। अब पॉइंट इज दैट सर, 18,550 जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन बना है, एज देर इज अ प्राइस एक्शन जोन एट दिस लेवल विच इज वेल स्पेस्ड इन टाइम। वेल स्पेस्ड मतलब बार बार हुआ है, वेल स्पेस्ड इन टाइम का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन बार बार हुआ है, एक बार नहीं कम से कम तीन बार, दो से तीन बार हो जाए ना शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो मानो कि वो प्राइस एक्शन जोन बन गया। ठीक है, अगर दो से तीन बार सेम टाइम के अंदर, ठीक है, सेम मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है, इन ए सर्टेन टाइम के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल 3 months, 4 months के अंदर, अगर एक पर्टिकुलर जोन पे प्राइस बार बार मूव करके वापस आ रहा है, इसका मतलब यही है। जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने निफ्टी का ये वाला बात, मैं एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्लास में टेक्निकल पे बात किया, बट वापस बताने के लिए फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर आप देखें कि किस पॉइंट पे जाके निफ्टी बार बार कंसंट्रेट हुआ है, लास्ट अगर मैं दिसंबर से लेके अगस्त तक के बीच का बात करूँ, आप ही लोग बताइए मुझे। इसको मैंने कंसोलिडेट कर दिया, मतलब और ज़्यादा प्राइस पॉइंट ले लिया, बट आप जस्ट मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल किस पॉइंट पे बना है, क्या बोलोगे आप लोग। करेंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का 17,800 में तो मार्केट बहुत ज्यादा स्टे नहीं किया, यहाँ पर बोल रहे हैं ये वाला, दिस इज द जोन, ये एक जोन, मतलब आप ऐसा कह सकते हो सर, मतलब ये ऑलमोस्ट, ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट, मतलब करेंटली जो निफ्टी चल रहा है ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है। करेंट निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है सर। मतलब चांसेस है कि मार्केट फिर से क्या है, बोलिए, अगर कोई स्पेशल कारण ना होगा, ठीक है, इफ देयर इज नो स्पेशल कॉज देन मार्केट गिरेगा। अगर कोई स्पेशल कॉज आता है इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन मार्केट में तो ठीक है, अगर कोई स्पेशल कॉज नजर नहीं आता तो थोड़ा सा संभाल के चलिए, मार्केट में वापस एक कंसेंट्रेशन जोन यहाँ पर क्रिएट होने का चांसेस है और फिर मार्केट गिर सकता है। नेक्स्ट वीक का मार्केट का डिसीजंस देखने लायक होगा सर, क्योंकि जिस तरह का बुल रन ये स्टार्ट किया है चांसेस, हाँ बोलो, ब्रेकआउट भी तो दे सकता है सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा नजर रखिए, चांसेस है कि ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, और अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो फिर वापस बुल बियरिश रन हो सकता है सर, वापस बियरिश रन हो सकता है। ठीक है, मतलब ये करंट जो जोन है ना ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली अगर मैं लास्ट कुछ दिनों से बात करूं तो 17,600 के आसपास में ही है सर, 17,600 ये बेसिकली इसका प्राइस एक्शन जोन बना हुआ है, तो 440 में चल रहा है। R2 तक क्या होगा सर? हाँ बोलो, R2 क्या होगा? आवाज कट गया, हाँ बोलिए सर। R2 क्या होगा फिर, अगर 600 का टच कर लिया उसका जो रिकॉर्ड दे दिया, फिर R2 क्या होगा इसमें? अगर 600 टच कर गया उसके बाद, आपका क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा हूँ। रेजिस्टेंस लेवल बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट है R1 है तो R2 क्या होगा सर? अगर ये मोटा मोटी इस जोन में चल रहा है, ठीक है, तो ये न्यू जोन में अगर टच कर लेता है तो फिर न्यू रेजिस्टेंस लेवल एक देखा जाएगा, लेकिन इसका सपोर्ट लेवल मोटा मोटी नीचे आ जाएगा, सपोर्ट लेवल आके
करंट सपोर्ट लेवल मोटा मोटी मैं जितना देख पा रहा हूँ ये जोन इसका सपोर्ट के लिए सही है, दिस जोन, ठीक है, ये जोन सपोर्ट नहीं है सर, दिस इज नॉट द प्रॉपर सपोर्ट जोन, ठीक है, सपोर्ट स्पेशली यहाँ बना हुआ है, मतलब 16,800 उसके नीचे बेसिकली वो ज़्यादा बियरिश मोमेंट है, ठीक है। अब यही देखना है सर कि किस तरह से ये जोन के अंदर से मार्केट अपने आप को बाहर कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि करंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ब्रेकआउट देगा वो, मतलब 18,000 जाएगा, आप लोगों को लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस थोड़ा सा बियरिश मोमेंट लेगा, बट काफ़ी दिनों तक अभी थोड़ा सा होल्ड करेगा। ऐसे आज देखो, अगर आज का ही देखो आप सिचुएशंस, अभी तक या अभी तक का जो कैंडल बना हुआ है इनडिसिशंस चल रहा है ना, अभी तक का कैंडल इनडिसिशंस पे चल रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि और आगे जाए कि ना जाए, ये आज का डे कैंडल है, बट हाँ अगर आप मिनट कैंडल देखोगे या हाफ एन आवर का कैंडल देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ नज़र आ सकता है, ठीक है। अब कैंडल्स पे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कैंडल पे ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, अभी देखना ये है सर कि हमारा ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनेगा। ठीक है सर, तो चलिए ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी 18,417 में है, दो दिन पहले 18,550 में था, रेजिस्टेंस लेवल इज हाइलाइटेड बाय ए ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने आपको अभी दिखाया, एंड 18,550 इज कंसीडर्ड एज रेजिस्टेंस एज देयर इज अ प्राइस एक्शन जोन दिस लेवल व्हिच इज वेल स्पेस्ड इन टाइम, मतलब समय के साथ एक बार बार ऐसा हुआ है, ठीक है, बार बार ऐसा हुआ है, तो फॉर पीपल हु आर नॉट फैमिलियर मैं उसको बस इतना ही बोलूंगा कि सर आप लोग एक बार टेक्निकल का क्लास कर लीजिए रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सर प्राइस एक्शन जोन को ब्लू रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट किया गया, बैंक निफ्टी हैज अटेम्प्टेड टू क्रैक द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द लास्ट कंसेक्यूटिव टाइम्स, ठीक है, बैंक निफ्टी बार बार अपना रेजिस्टेंस लेवल को क्रैक करने का कोशिश किया है, बट क्या कर पाया सर, जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल को क्रैक करने का कोशिश यहाँ पर हुआ है, ये देखिए जैसे कि सुमित जी बार बार बोल रहे सर ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, सर यहाँ पर ब्रेकआउट देने का कोशिश तो किया बट स्टे नहीं कर पाया सर, मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाया, ब्रेक करके चला गया था लेकिन स्टे नहीं कर पाया, मतलब बुल रन स्टे होना पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं फंडा वीक नजर आया, और जैसे ही फंडा वीक नजर आया ड्यू टू एनी फैक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एज वेल एज अनसिस्टमेटिक रिस्क। जब मैं बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये सिस्टमेटिक रिस्क ही होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी कोई एक बैंक का मैटर नहीं है, सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर आ जाता है, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर रहा है जिसके कारण ये ब्रेकआउट तो दिया है बट उसके बाद ही वो वापस जोन पे वापस आ गया। अभी वही चीज़ देखने का कॉन्सेप्ट है सर कि हम लोग क्या इसको एनालिसिस कर सकते हैं, सर इसके लिए आपका फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों चीज़ बहुत डेवलप होना डे बाय डे ज़रूरी है। तो ठीक है मैं भी उस पॉइंट में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो एक अलग पैरामीटर है, उसमें और डेप्थ आ जाएगा, मैं उस पर भी नहीं जाना, ठीक है। अभी मेरे को आपको एक पुट ऑप्शन सेलर का माइंड सेटअप क्या होना चाहिए उसी के बारे में मेनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि लगातार रेजिस्टेंस लेवल दो बार क्रैक करने का कोशिश किया, एंड ऑल इट नीड्स इज वन गुड पुश, एक गुड पुश होना चाहिए, मे बी ए लार्ज साइज बैंक अनाउंसिंग डिसेंट रिजल्ट, बात समझिए सर जो बात मैं आपको बार बार करने का कोशिश करता हूँ, कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर इंडेक्स कोई पर्टिकुलर मतलब टेक्निकल पैरामीटर, ठीक है, होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ताकि एक पुश तो मिले, पुश कैसे मिलेगा, मतलब क्यों, जैसे कि बार बार सवाल हो रहा है सर निफ्टी क्या इस जोन से, मतलब ये जो करेंट रेजिस्टेंस जोन से भाग के बाहर जाएगा, मतलब निफ्टी के अंदर जो कंपनीज हैं क्या उसका परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा नजर आएगा जिसके कारण निफ्टी एकदम भागा भागा रन करेगा, हाँ जोर से रन करेगा, या फिर इन आवर करेंट एग्जांपल क्या बैंक निफ्टी 18,417 में चल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल इज 18,550 जो थोड़ा सा उससे ऊपर ही होगा,
18417 से. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्या रीजन होगा कि वो वापस बुल रन करेगा. सर एक गुड पुश चाहिए, लेकिन ये गुड पुश कैसे होगा? अगर कुछ बैंक, लार्ज साइज बैंक लाइक HDFC, ICICI, SBI, जिसका वेटेज हाई है बैंक निफ्टी में, वो अपना एक डिसेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर. क्या, कौन सा रिजल्ट सर? क्वार्टर रिजल्ट्स, क्वार्टर रिजल्ट्स. ठीक है, वो अगर अपना एक डिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर करे, मतलब बैंक में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बैंक का कलेक्शंस बढ़ा है, बैंक का सेविंग्स, मतलब जो उनका जो भी बैंकिंग सिस्टम पे जो भी रेशियो होता है, कासा रेशियो, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा चीज होता है जो बैंकिंग सिस्टम में बैंक के बारे में जानने के लिए आपको जरूरी है. एक बैंकिंग सिस्टम का फंडामेंटल्स चेक करने का भी कुछ तौर तरीका होता है. ठीक है, तो आपको वो हिसाब देखना पड़ेगा. ठीक है, आपको वो वाला हिसाब देखना पड़ेगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SBI को यहाँ पर लेने का कोशिश करूँ, आप SBI में जा सकते हैं, ये SBI का फंडामेंटल्स है. अब फंडामेंटल्स में जाके SBI का रिसेंट कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये सब डेटा भी मिलता है. करेंटली SBI 537 में चल रहा है. ठीक है, लेकिन ये तो स्पॉट मार्केट का कॉन्सेप्ट है. नाउ पॉइंट इज दैट यहाँ पर एक बैंक नहीं, मैं आपको क्या बोला, बैंक निफ्टी में. यस सर, बोलिए सर. किसी भी कंपनी का रिजल्ट मिलने वाला है, आने वाला है, ये कहाँ चेक करते हैं? वो तो बताया था मनी कंट्रोल हुआ, टिकट है, वहाँ से चेक करते हैं, पब्लिश हो जाता है, कब आएगा ये पता कर चलेगा मुझे सर. वो ये देखिए, न्यूज आता है, न्यूज एंड इवेंट्स, कंपनी कब कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है. ठीक है, इसके बारे में न्यूज आता है सर. ठीक है, ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट सेटिंग अप अ होल्ली ओन सब्सिडियरी नेम स्टेट बैंक. ये August 3 में कंपनी ने अनाउंस किया है. ठीक है, और जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स नॉर्मली हर क्वार्टर के एंड पे आता है. ठीक है, तो उसी क्वार्टर के एंड पे आपको ये तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, 3 अगस्त का डेटा है. फ्यूचर में आने वाला कोई इवेंट अगर होगा वो कहाँ चेक करते हैं सर? वो जब तक कंपनी का अपने वेबसाइट में कंपनी जरूर बताता है इवेंट के बारे में. ठीक है, आप इंडिविजुअल कंपनी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो. ठीक है, जहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए भी एक अलग से पेज होता है, या फिर अगर आप ऐसा ऐप यूज़ करते हो जैसे कि मनी कंट्रोल में या फिर टिकट टेम में, ये लोग भी ये सब डेटा को बहुत अच्छे से बताता है. मनी कंट्रोल है मेरे पास सर. हाँ सर, मनी कंट्रोल बहुत लोग यूज़ करता है, वहाँ पर ये सब न्यूज़ थोड़ा पहले मिल जाता है. ठीक है, मतलब आ सकता है या जनरल मीटिंग होने वाला है. ठीक है, AGM होने वाला है, कंपनी अपना डिटेल्स कहाँ बताते हैं? AGM EGM में बताते हैं. ठीक है, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है. कहाँ पे चेक करेंगे सर इसको? मनी कंट्रोल होगा, उसके बाद मनी कंट्रोल में जाइए, मनी कंट्रोल में जाके, या फिर आप किसी भी कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल SBI, मनी कंट्रोल ऐप बहुत बड़ा ऐप है, बट कम से कम आप मनी कंट्रोल में जाके इसका एक एक्शन जोन एरिया होता है. ये देखिए, ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, कंपनी का डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पर, कंपनी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगा. ठीक है, मतलब ये फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ में कुछ टेक्निकल कैंडलस्टिक्स इन्फॉर्मेशन भी आप देखोगे यहाँ पर, मार्केट हाइलाइट्स, फाइनेंशियल्स, प्राइस एंड वॉल्यूम एरिया. यहाँ पर एक जगह होता है सर, बैंक पब्लिक सेक्टर्स, एक सेकंड, एक पॉइंट जोन होता है सर, जहाँ पर ना वो कंपनी अपना न्यूज़ बताता है, लाइक AGM EGM के बारे में बात करता है. एक सेकंड, कहाँ चला गया सर? पास में तो न्यूज़ लिखा हुआ है सर, मार्केट का बारे में. नहीं, न्यूज़ नहीं, मैं सबको दिखाता हूँ. SBI AGM ऐसे देखिए, मैंने SBI AGM लिखा तो SBI के साइड में मेरे को लेके जा रहा है. आप साइड में जब भी जा सकते हो, बट अगर मैं इसको मनी कंट्रोल में ही देखने का कोशिश करूँ, मनी कंट्रोल में ना एक पेज आता है जहाँ पर ना ये सब खबर आ जाता है. इसको AGM EGM कॉरपोरेट न्यूज़, ये वाला बेसिकली. ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोर्ट चार्ट्स, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस,
कॉर्पोरेट एक्शंस देख रहा है ना सर, ठीक है। ये कॉर्पोरेट एक्शंस में कंपनी डिटेल्स बताता है, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग, पीयर्स, कंपनी इन्फो, ठीक है। इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप देखोगे, ये देखो कंपनी कब एजीएम करने वाला है या फिर कब एजीएम किया है वो अनाउंसमेंट करता है, ठीक है। तो 24 मई को 2022 को कंपनी ने एक एजीएम किया था, ठीक है। उसका डेट यहाँ पर दिया है 22 जून को कंपनी का एजीएम हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी एजीएम कब करेगा नहीं करेगा ये सब बताता है। एजीएम तो वो एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सर, वहाँ जो एजीएम में बात नहीं हो पाता है, ठीक है, वो एजीएम में बताता है। ये देखो सर, यहाँ पर बता रहा है 4 जून 2014 को 15,000 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में बात किया है, और इंक्रीज इन इशूड कैपिटल बाई बैंक बाई हुआ प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, मतलब ये सब डिफरेंट फंडामेंटल इशूज़ है, ठीक है। कब कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है, ये सब डिफरेंट फंडामेंटल इशूज़ है जो कंपनी डिक्लेयर करता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये प्राइस एक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी में सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में सोच रहे हो, तो आप क्या ऐसा सोचोगे जिसके कारण आप बैंक निफ्टी के बारे में बुलिश फील करते हो, है ना सर? तो इसी तरह से आपको बैंक के डिटेल्स के बारे में, बैंक के एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, कंपनी मतलब इसमें जितना सारा बैंक निफ्टी को बिल्डअप किया जाता है, ठीक है, वो सब के बारे में आपको थोड़ा फिलहाल सोचना चाहिए। आगे आगे देखिए और क्या देखना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा म्यूट रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, तो एक गुड पुश बेसिकली जो आपको चाहिए, वन गुड पुश, तो उसमें HDFC है, ICICI है, SBI है, जो एक गुड रिजल्ट अगर डिक्लेयर कर दो, अ पॉजिटिव क्यू प्लस मूव अबव द रेजिस्टेंस विल सेट बैंक निफ्टी ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है। जब जब निफ्टी में बदलाव आया है, बैंक निफ्टी में बदलाव आया है, इसके पीछे जरूर ऐसा कुछ कहानी जरूर रहा होगा कि कुछ तो पॉजिटिव मैटर मार्केट में चला हो, तो वो पॉजिटिव मैटर ढूंढिए। हेंस राइटिंग द पुट ऑप्शंस एंड कलेक्टिंग द प्रीमियम्स में साउंड लाइक ए गुड आइडिया, ठीक है। जैसे जब हम लोग पुट ऑप्शंस सेलर बनते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बायर क्या करता है, प्रीमियम देता है, सेलर क्या करेगा, प्रीमियम कलेक्ट करेगा। Now you may have a question at this stage, if your outlook is bullish, अगर आपका outlook bullish है, bullish मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि SBI का performance अच्छा होने वाला है, ICICI का performance अच्छा होने वाला है, HDFC का performance अच्छा होने वाला है, ठीक है। सर ये कैसे पता करोगे? सर जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी आप किसी particular stock के बारे में positive सोचते हो, ठीक है। अच्छा सर थोड़ा सा wait करो, तुम एक सेकेंड ना, एक important कोई call आ रहा है, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ सर, आप लोग तब तक स्क्रीन में थोड़ा सा नज़र रखिए, मैं भी आता हूँ, एक सेकंड। क्या वो नाचो बोलो, तुम तो दाढ़ी शादा वाले अच्छे की। चुप, क्लासेस। सर आप लोगों को आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। ओके, देखिए अब आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये जो बैंक निफ्टी के बारे में जो सोच विचार करने के लिए आप बोल दे रहे हो, लेकिन इतना आसानी से सोचेंगे कैसे? सर आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होता, मेहनत तो हर चीज़ पर लगता है। इंसान को प्रॉफिट करना है मार्केट में आके, तो थोड़ी ना हवा में प्रॉफिट हो जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक पुट ऑप्शन सेलर के हिसाब से आपको कलेक्शन करना पड़ता है प्रीमियम वगैरह, ठीक है। रिकॉर्डिंग के साथ रुक गया है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? रिकॉर्डिंग के साथ रुक गया है। रिकॉर्डिंग रुक गया? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा
अच्छा नहीं रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। अच्छा तो एक पुट ऑप्शंस राइटर कलेक्ट करता है प्रीमियम, जो एक अच्छा आइडिया है। यू मे हैव अ क्वेश्चन एट दिस स्टेज, इफ योर आउटलुक इज बुलिश, व्हाई अ पुट ऑप्शंस एंड व्हाई नॉट जस्ट बाय अ कॉल ऑप्शंस। अगर आप बुलिश सोचते हो तो आप कॉल ऑप्शंस की तरह बाई क्यों नहीं कर लेते, मतलब याद है ना सर, जब आप कॉल ऑप्शंस बाई करते हो तो आप अजय बनते हो, याद है ना, अजय बुंदेलखंड में जमीन खरीद रहा था, या फिर आप बजाज ऑटो परचेस कर रहे थे, है ना। तो अगर आप बुलिश सोचते हो अजय की तरह या फिर बजाज ऑटो बाई की तरह, तो फिर कॉल ऑप्शन ही बाई कर लेते, पुट ऑप्शन सेल करने का क्या जरूरत है सर। ये एक डिफरेंट परसेप्शन है आपको, तो वही इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे कहानी समझ में आ जाएगा सर। पुट ऑप्शंस सेल करना और मतलब और कॉल ऑप्शंस बाई करना दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है, बट दोनों में एक कॉमन पॉइंट है। एक कॉल ऑप्शंस बायर और एक पुट ऑप्शन सेलर, दोनों का मार्केट परसेप्शन सेम होता है, दैट इज बुलिश। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, द बिग क्वेश्चन इज दैट कि अगर मार्केट बुलिश है तो फिर आप कॉल ऑप्शंस बायर बन जाते, आपको पुट ऑप्शन सेल करने का क्या जरूरत है ना। यहीं पर आपको थोड़ा अपने आप के साथ बात करना होगा कि क्यों आप पुट ऑप्शन सेलर बनोगे इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शंस बायर। Decisions to either buy a call option or sell a put option really depends on how attractive the premiums are. ये premium पे depend करता है. At the time of taking the decisions, if the call option has a low premium, then buying a call option makes sense. अगर call options premium low है, if the call option has a low premium, then buying a call option makes sense. Likewise, if put option is trading at a very high premium, then selling the put options makes sense. मतलब अगर आप सेल करके ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो, अगर मार्केट में प्रीमियम हाई चल रहा है ड्यू टू डिमांड सप्लाई सिचुएशंस, तो आप हाई प्रीमियम कलेक्ट करो और पुट ऑप्शंस का सेलर बन जाओ। ऑफ कोर्स टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली टू डू, बाय कॉल ऑप्शंस और सेलिंग अ पुट ऑप्शंस, मतलब कॉल ऑप्शंस बाय करें या पुट ऑप्शन सेल करें, ये नो डाउट एक चिंता का विषय है। डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रीमियम एंड टू जज हाउ अट्रैक्टिव द प्रीमियम यू नीड सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑन ऑप्शन प्राइसिंग ऑफ कोर्स। And going forward in this module we understood option pricing. So यहाँ पर option pricing में थोड़ा बात करना पड़ेगा, ठीक है। Now what is option pricing? चलिए सर थोड़ा सा matter को आगे लेके चलते हैं। So with these thoughts, assume the trader decide to sell 18,400 put options and collect 315 as a premium. जो हम लोग last दिन भी सोचे थे, same सोच चल रहा है सर। 18,400 का put options है, मतलब this is my strike. 18,400 बैंक निफ्टी इज माई स्ट्राइक, जहां पर मेरा प्रीमियम कलेक्शन है 315 एज पर आवर ऑप्शन चेन, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देखे थे। कहाँ चला गया ऑप्शन चेन? दिस वन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर 18,400 को स्ट्राइक प्राइस बनाया था और 315 हमारा प्रीमियम कलेक्शन था, ठीक है। मतलब अगर जो पहले हम लोग बाई मतलब पुट ऑप्शन बायर थे तो 315 प्रीमियम दिए थे, तो जो जो सेल कर रहेगा वो 315 प्रीमियम कलेक्ट करेगा, स्ट्राइक प्राइस तो उसके लिए भी 18,400 ही रहेगा। नाउ पॉइंट इज दैट सर कि ऐसा करने से करने के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि प्रीमियम के साथ या ऑप्शन प्राइसिंग के साथ पुट ऑप्शन सेलर का क्या कनेक्शन है और वो क्यों इस तरह से सोचता है, थोड़ा डिटेल्स में ही समझेंगे। As usual, let us observe the PL behavior of put option seller and make a few generalizations. अब एक put option seller का profit and loss का situations को थोड़ा देखना पड़ेगा। Do note, when you write options, जब आप option seller बनते हो, regardless calls or puts, write का मतलब होता है seller, ठीक है? Regardless call या put, margins are blocked in your account. Yes sir, ये तो हम लोगों को पता है, हमें जब भी trade लेना पड़ता है, margin block कर दिया जाता है। And इसके बारे में हम लोग discuss पहले भी किए हैं, बाद में भी करेंगे, आगे भी करेंगे सर, कैसे कैसे मार्जिन ब्लॉक होता है इसके बारे में बहुत सारा बात आगे करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस बिहेवियर को थोड़ा सा नजर लेते हैं, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस रिमेंस द सेम फॉर बोथ राइटिंग अ पुट ऑप्शंस एज वेल एज बाइंग अ पुट ऑप्शंस।
मतलब इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दोनों सेम ही रहता है. हाउएवर टीएल कैलकुलेशन चेंजेस हो जाएगा. व्हिच वी डिस्कस शॉर्टली, वी विल अस्यूम वेरियस पॉसिबल सिनेरियोस ऑन द एक्सपायरी डेट एंड फिगर आउट हाउ द टीएल बिहेव्स. अब एक पुट ऑप्शंस सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बिहेव करता है ये आपको थोड़ा सा देखना है. जैसे कि अगर आप देखें, आपका स्ट्राइक प्राइस था 18,400, मार्केट में वैल्यू बन जाता है, मतलब बैंक निफ्टी का 16,195, 16,195. प्रीमियम रिसीव आपके किया है 315. सर पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एज ए पुट ऑप्शन बायर, सॉरी एज ए पुट ऑप्शन सेलर, ये बाई सेल कभी कभी गलत निकल जाते हैं मुझसे, बट आप लोगों को तो पता है ना सर, हम लोग आज पुट ऑप्शन सेलिंग पे बात कर रहे हैं. एज ए पुट ऑप्शन सेलर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली बुलिश है, बट यहाँ तो मार्केट बेयरिश हो गया. अगर मार्केट बेयरिश है तो आपने क्या कलेक्ट किया, 315 प्रीमियम ही कलेक्ट कर पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं. लेकिन मार्केट में जो आपका लॉस होगा वो आपका चला जाएगा. सो 315 प्रीमियम माइनस 2205 जो आपका यहाँ पर डिफरेंसेस है, तो आपने 1890 का लॉस करोगे. इस तरह से आपका लॉस तब तक चलेगा जब तक मार्केट बेयरिश रहेगा. मतलब मार्केट अगर स्ट्राइक प्राइस से बिलो में है आपका लॉस है, मार्केट अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, स्ट्राइक प्राइस क्या है आपका 18,400. अगर मैं करंट बैंक निफ्टी के साथ बात करता हूँ, करंट बैंक निफ्टी 38,158 में है. अगर कोई ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में, मानो अगर कोई 38,100 में कोई अगर स्ट्राइक प्राइस लेता है, तो मार्केट 38,100 से जितना नीचे जाएगा एक पुट ऑप्शन सेलर को उतना लॉस होगा. मार्केट जितना हाई होगा एक पुट ऑप्शन सेलर को उतना प्रॉफिट होगा. लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब उतना प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट यहाँ पर लिमिटेड है प्रीमियम कलेक्शन. ठीक है सर. सर ये 315 प्रीमियम है तो लॉट साइज से मल्टीप्लाई होगा ना? जी सर, ऑब्वियसली लॉट साइज से तो मल्टीप्लाई होगा ही, इनटू 25 होगा. तो वहां पर आप लिए नहीं सर, इनटू 25 जब नेट कैलकुलेशन कर रहे हैं. हां सर, और एक बार बताओ, जो आप नेट कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, कितना उसको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये फिक्स्ड वाला जो कॉलम है इसमें, ये बेसिकली ये बेसिकली एक यूनिट के ऊपर है सर, पर यूनिट के हिसाब से है. बट हम लोग को पूरा लॉट में लेना है एक्चुअली, हम निकालते हैं. हाँ, आप ऑब्वियसली इतना तो कोई नहीं करता ना, जब लेना पड़ेगा तब तो लॉट में ही लेना पड़ेगा. वो तो लॉट बता देता है, जब भी आप बाई करने जाओगे कॉल पुट तो ऑटोमेटिकली आपको 25 30 35 कितना है बता देता है. ठीक है, देखा है तो बस जो फिगर आया 18901575125 जितना लॉट में रहेगा, नॉर्मली 25 30 तो होगा ही. ठीक है, 25 30 जितना भी लॉट में रहेगा वो लॉट के हिसाब से आपका उतने का लॉस हो जाएगा, नो डाउट. ये एक सिंपल एक एग्जांपल है, एक स्ट्राइक प्राइस, एक प्रीमियम रिसीव, और उसके बेसिस पे मार्केट में अप एंड डाउन. ठीक, नाउ क्वेश्चन यहाँ क्या है सर, अब जब देखो मार्केट, अब देखो मार्केट 18,000 कितना था, 18,400 सर, 18,400 मार्केट था. मार्केट अभी 18,085 में आया, मतलब अभी भी मार्केट बुलिश नहीं हुआ. बट यहाँ पर एक चीज हुआ है सर, आपका प्रीमियम कलेक्शन 315 है और यहाँ पर आपका लॉस भी 315 है. तो 315 का प्रीमियम कलेक्शन, 315 का लॉस, आपका ब्रेक इवन नहीं है. मतलब मार्केट अगर 18,085 मतलब बिलो स्ट्राइक प्राइस भी चल रहा है तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी कलेक्टेड 315 and now your loss is also 315, so you are now in break even. लेकिन 18,400 मैच कर गया, मतलब आपने 18,400 में मार्केट को देखा था, स्ट्राइक किया था, और मार्केट एक्सपायरी में 18,400 में ही है. ठीक है, एक्सपायरी में भी मार्केट 18,400 में, तो आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और एक्सपायरी मानो एक हफ्ता या दो हफ्ता या एक महीना बाद है, ठीक है, तो 18,400 में मार्केट उसी रेंज में है, तो 315 कलेक्शन हुआ था आपका, लॉस कुछ नहीं है, तो 315 का प्रॉफिट. मार्केट में अगर कोई मूवमेंट नहीं रहा, अगर मार्केट फ्लैट भी रहा तो भी आपका प्रॉफिट प्रीमियम कलेक्शन का. मार्केट और बढ़ता है तो भी 315 का प्रॉफिट, मार्केट और बढ़े तो भी 315 का प्रॉफिट, मतलब मार्केट और भी कुछ भी लेवल में बढ़ जाए बट प्रीमियम आपको मिलेगा. तो यहाँ पर पॉइंट बहुत सिंपल है, मार्केट या तो फ्लैट रहेगा, कंक्लूजन सर सिंपल कंक्लूजन,
मार्केट 18,400 में स्ट्राइक प्राइस था आपका, स्ट्राइक इक्वल्स टू स्ट्राइक रहेगा, मतलब बेसिकली एक्सपायरी में भी वही मिला आपको मार्केट, तो स्ट्राइक और मार्केट सेम रहेगा, स्ट्राइक और मार्केट सेम रहेगा, मार्केट फ्लैट है तो भी प्रॉफिट, मार्केट और बुल रन कर रहा है तो भी 315 का प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है सर, प्रॉफिट लिमिटेड है पर लॉस अनलिमिटेड है अगर मार्केट बेयरिश जाएगा तो। नाउ यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम हुआ सर, बाई नाउ यू विल बी इन अ पोजीशन टू रियर इजिली जनरलाइज पी एल बिहेवियर अपॉन एक्सपायरी, एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करते हो तो क्या सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी हैव डन दिस सेम फॉर द लास्ट थ्री चैप्टर, यही सेम चीज हम लोग कॉल ऑप्शन बाई में, कॉल ऑप्शन सेल में, पुट ऑप्शन बाई पे, और आज भी आपको मैंने बताया, तो जनरलाइजेशंस आर बिलो, जनरलाइजेशंस आर बिलो, मेक श्योर यू सेट योर आईज ऑन रो 8 एज इट इज स्ट्राइक प्राइस फॉर दिस, मतलब ये जो 8th नंबर रो है यहाँ पर आपने देखा ना, 8th नंबर रो पे बेसिकली आपने फर्स्ट प्रॉफिट किया, दिस इज द एरिया जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, बिकॉज आपका बैंक निफ्टी 18,400 था, 18,400 आपका स्ट्राइक था और मार्केट एक्सपायरी में 18,400 में ही रहेगा, इसमें आपका परसेप्शन कितना स्ट्रांग है, अगर इतना भी है ना कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा बट सेम रहेगा या फिर ऊपर जाएगा 715,000 ठीक है क्रॉस करके भागेगा, अगर इतना भी है तो फिर आप प्रॉफिट में हो, तभी आपको पुट ऑप्शंस सेलर बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो योर परसेप्शन अबाउट मार्केट इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट टू गेट प्रॉफिट इन एवरी केस, चाहे आप कॉल ऑप्शंस बायर बनो, चाहे आप कॉल ऑप्शन सेलर बनो, चाहे आप पुट ऑप्शंस बायर बनो, चाहे आप पुट ऑप्शन सेलर बनो। अभी कुछ और फाइनलाइजेशन पॉइंट है पुट ऑप्शंस बाय पे, सॉरी पुट ऑप्शन सेल पे, थोड़ा देख लो सर फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेलिंग अ पुट ऑप्शन इज टू कलेक्ट द प्रीमियम बेसिकली एंड बेनिफिट फ्रॉम बुलिश आउटलुक, आउटलुक बुलिश है, प्रीमियम कलेक्ट करो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक हो या निफ्टी हो या इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, जो भी जहां पर भी आपको ऑप्शन खेलने का मौका मिलेगा आप वहां पर खेलो। Therefore, as you can see, the profit stays 315, that is premium collection. इसीलिए एक चीज स्टार्टिंग में कहा गया था, प्रीमियम कलेक्शन हाई है तो पुट ऑप्शन सेलर बनना चाहिए एज लॉन्ग एज द स्पॉट प्राइस स्टेज अबव द स्ट्राइक प्राइस, जब तक स्पॉट मार्केट का दाम प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर या एटलीस्ट फ्लैट रहेगा तब तक आपका ये प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ से आप क्या साधारण सा डिसीजन लेंगे, जनरलाइजेशंस क्या है, सेलर ऑफ द पुट ऑप्शंस आर प्रॉफिटेबल एज लॉन्ग एज द स्पॉट प्राइस रिमेंस एट और हायर देन स्ट्राइक प्राइस, मतलब या तो 18,400 में ही रहे या तो 18,400 से ऊपर जाए, इन अदर वर्ड्स सेल ए पुट ऑप्शंस ओनली व्हेन यू आर बुलिश अबाउट अंडरलाइंग और व्हेन यू बिलीव दैट अंडरलाइंग विल नो लॉन्गर कंटिन्यू टू फॉल, मतलब बैंक निफ्टी अभी गिरने वाला नहीं है, निफ्टी अभी गिरने वाला नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अभी नहीं गिर सकता। अब इसको वैलिडिटी कौन करता है, निफ्टी नहीं गिरेगा इसका वैलिडिटी क्या करेगा, कैंडल स्टिक्स, ठीक है जो आप लोग टेक्निकल पे पढ़ते हो, ठीक है कैंडल स्टिक्स एंड मतलब बाकी जो ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है ट्रेंड चार्ट पैटर्न जो भी है साथ साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम एवरीथिंग ये सब कुछ और साथ में फंडा फंडामेंटल्स, ये अलग कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकल पैरामीटर मार्केट पैरामीटर वो अलग काम करता है, पर टेक्निकल में शॉर्ट टर्म पैरामीटर आपको हेल्प करेगा मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं सर, है ना कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ द मार्केट कैसा होता है और कैंडल क्या बताता है, हर कैंडल कुछ कहता है सर, हर कैंडल कुछ कहता है, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट सर, पॉइंट इज दैट कि ये जनरलाइजेशन तो आपको मिल गया, ठीक है कि यहाँ पर जनरलाइजेशन क्या हुआ कि पुट ऑप्शन सेलर का सोच क्या होना चाहिए, परसेप्शन क्या होना चाहिए कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा अभी अगला कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक, ठीक है जब तक आपका एक्सपायरी नहीं होता। नाउ एज द स्पॉट प्राइस गोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, अगर स्पॉट मार्केट का दाम स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा द पोजीशन स्टार्ट्स टू मेक लॉस एंड क्लियरली देयर इज नो कैप ऑन हाउ मच लॉस द सेलर कैन एक्सपीरियंस एंड हियर इट कैन थियोरेटिकली बी अनलिमिटेड, मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है तो अनलिमिटेड लॉस आप खा सकते हो, डिपेंड करता है कितना दूर तक मार्केट जा रहा है, आप बीच में निकल सकते हो वो अलग बात, बट यस एक्सपायरी तक अगर वेट करते हो तो लॉस तो खाओगे। जनरलाइजेशन टू, ए पुट ऑप्शन सेलर कैन पोटेंशियली एक्सपीरियंस एन अनलिमिटेड लॉस एज एंड व्हेन द स्पॉट प्राइस गोज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, एक जनरल फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो
to calculate the PL from writing a put option positions. Writing a put option मतलब sell, ठीक है? Do bear in mind this formula, कुछ ऐसा देखने में होगा. Profit and loss equals to premium receipt minus maximum zero strike price into my zero into strike price minus spot price. ठीक है, ये फॉर्मूला काम करता है आपका ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट को कैलकुलेट करने, प्रॉफिट और लॉस. तो लेटेस्ट टू रैंडम वैल्यूज 16510 अगर आपका स्पॉट वैल्यू होता है, आपका स्ट्राइक प्राइस है 18,400, तो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया 315 माइनस हो जाएगा आपका मैक्स जीरो 18,400 माइनस 16510 जीरो एक्चुअली इंट्रेंसिक वैल्यू को बताते हैं. इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग जीरो मान के चलते हैं. सो अगर आपका 18,400 से माइनस 16,510 करते हो तो आपको 80-90 का लॉस होता है, उसको जीरो के साथ इंटू कर देते हो. तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 18,400 ये जीरो का कोई वैल्यू यहाँ पर हो नहीं रहा है. 18,400 माइनस 16,510 1890 का आपका लॉस है, 315 का प्रीमियम कलेक्शन है, तो 1575 का लॉस है. सिमिलरली जब आप 315 करते हो और यहाँ पर आप मैक्स 18,400 माइनस 19,660 करते हो तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आता है. तो पॉइंट इज दैट 315 के साथ वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा बिकॉज आप प्रीमियम कलेक्शन किया, यहाँ पर आपने प्रीमियम दिया नहीं, लिया तो 315 ही आपको मैक्सिमम मिलेगा. तो फर्दर द ब्रेकडाउन पॉइंट फॉर ए पुट ऑप्शन सेलर कैन बी डिफाइंड एज ए पॉइंट वेयर द पुट ऑप्शन सेलर स्टार्ट मेकिंग लॉस आफ्टर गिविंग अवे ऑल द प्रीमियम ही हैज कलेक्टेड. जो प्रीमियम जब उसके हाथ से निकलता जाएगा ना, तब उसका ब्रेकडाउन आएगा. मतलब जब स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड हो, मतलब 18,400 उसका स्ट्राइक है, वहां से प्रीमियम रिसीव 315. जब ये अमाउंट कम होके जितना आता है, अगर जिस पॉइंट पे मार्केट 18,085 में रहता है, इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है, 18,085 से जितना नीचे मार्केट जाएगा, आप इतना समझ लो कि पुट ऑप्शन सेलर का ब्रेकडाउन पॉइंट चालू हो गया. ठीक है, और उसके ऊपर जितना जाएगा, ब्रेक इवन क्रॉस करके प्रॉफिट करना चालू कर दे. बेसिकली उसका ब्रेक इवन का जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो 18,400 में भी मार्केट रहता है ना, तो भी उसको 315 का प्रॉफिट है, तो उसको ब्रेक इवन से जरूरत नहीं है, उसको बेसिकली ब्रेक डाउन से जरूरत है कि इसके नीचे जाएगा तो मेरा लॉस है. इस चीज का ध्यान उसको रखना पड़ेगा. 18,085 के नीचे नहीं जाना चाहिए एज पर आवर एग्जाम्पल. ठीक है, मतलब जितना उसका प्रीमियम रिसीव्ड है वो अमाउंट माइनस करके जो होता है. तो अब आपको मैं ग्राफिकली बता देता हूँ कि पुट ऑप्शन सेलर्स का पे ऑफ सिचुएशंस क्या होता है. तो एक पुट ऑप्शन सेलर का पे ऑफ सिचुएशंस मतलब कहाँ उसको प्रॉफिट और कहाँ उसको लॉस है. सर एक बात तो क्लियर है कि पुट ऑप्शन सेलर बुलिश मूवमेंट के साथ चलता है. इफ वी कनेक्ट द पीएल पॉइंट्स एंड डेवलप अ लाइन चार्ट, वी शुड बी डेवलप द ऑब्जर्व द जनरलाइजेशंस वी हैव मेड. जैसे कि क्या डेवलप कर सकते हैं, ये जीरो सिचुएशंस है, जितना मार्केट पॉजिटिव होगा. ठीक है, मतलब ये 500 पॉइंट में ऊपर बता रहे हैं, आप यहाँ पर 18,400 में आप यहाँ पर थे. 18,400 से मार्केट जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, 18,400 से मार्केट जितना ऊपर की तरफ जाएगा, बुलिशनेस आएगा. जैसे कि ये वाला 18,400 यहाँ पर है, अगर 18,400 से लेके मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा, ठीक है, दिस इज द बुलिश एरिया, आपको फ्लैट अमाउंट में प्रॉफिट होगा जो आपका प्रीमियम कलेक्शन है, दैट इज 315. ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एरिया. बट 18,400 से, अच्छा 18,885 क्या है, दिस इज योर ब्रेकडाउन पॉइंट. मतलब 18,085 में आपको एक्चुअली लॉस नहीं है. ठीक है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो. बट अगर मार्केट 18,085 क्रॉस करके नीचे जा जाए, 17,000 में, 17,000 से 16,000 की तरफ चला जाए, तो आप बेसिकली लॉस में जाओगे. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कितना लॉस हो रहा है, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 लॉस आपका बढ़ता जाएगा जितना मार्केट डाउन में जाएगा. ये एक पुट ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो होता है. अब जैसे कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब ये परसेप्शन कैसे बिल्डअप करना है, ये तो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल ही बता सकता है. ठीक है, सो ये चीज तो क्लियर हो ही गया सर. पुट ऑप्शन सेलर एक्सपीरियंस लॉस ओनली व्हेन स्पॉट प्राइस गोज बिलो द स्ट्राइक प्राइस. जैसे कि 18,400 है, उससे नीचे लॉस इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड. पुट ऑप्शन सेलर विल एक्सपीरियंस ए प्रॉफिट एज एंड व्हेन द स्पॉट प्राइस ट्रेड्स अबव द स्ट्राइक प्राइस.
मतलब स्ट्राइक प्राइस से जितना ऊपर मार्केट रहेगा या स्पॉट मार्केट में प्राइस में ही रहेगा, स्ट्राइक प्राइस में ही रहेगा, तो वो प्रीमियम कलेक्शन प्रॉफिट है. द गेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव एंड द ब्रेकडाउन पॉइंट इज 18,085 एज आवर एग्जांपल. द पुट ऑप्शन सेलर नाइदर मेक्स मनी नॉर मेक लॉसेस मनी इन 18,085. हाउएवर एट दिस स्टेज ही गिव्स द एंटायर प्रीमियम ही हैज रिसीव्ड. ठीक है, जितना प्रीमियम कलेक्शन उसका हुआ था वो पूरा का पूरा प्रीमियम उसको देना पड़ेगा. यस सर बोलिए. ब्रेकडाउन क्यों बोले सर? ब्रेक इवन होगा ना? नहीं सर, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेक इवन नहीं. ब्रेक इवन पॉइंट तब बता जाता है जब मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में चलता है. मैं आपको समझाता हूँ. वैसे ये अगर मैं समरी पॉइंट देखूं, ये देखो सर, ये कॉल ऑप्शंस बायर है, ये कॉल ऑप्शन सेलर है, ये पुट ऑप्शंस बायर है, सॉरी पुट ऑप्शन सेलर है, और ये पुट ऑप्शंस बायर है. ठीक है सर, कॉल ऑप्शंस बायर के लिए ये जो सिनेरियो है ना सर, ये ब्रेक इवन है. जब मार्केट में आप अपवर्ड देखते हो इस तरह से एक सेलर के नजर से, सॉरी बायर के नजर से, ठीक है, एक बायर के नजर से आप जब देखते हो तो आपके लिए ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट काम करता है. लेकिन जब सेलर की नजर से देखते हो तो आपके लिए ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट काम करता है. मतलब आपका यहाँ पर मेन कंसेंट्रेशन जोन ये रहेगा कि मार्केट कब आपको ब्रेक इवन पॉइंट देगा, जब आप कॉल ऑप्शंस बायर बनते हो या फिर जब आप पुट ऑप्शंस बायर बनते हो, तब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर नजर आता है. सर पुट ऑप्शन सेलिंग में आप ये तो पुट ऑप्शन सेलर, ये ब्रेक डाउन है. बोलो सर. ठीक है सर, आप सबको समझ में आ रहा है? रोशनी, ज्योति, देवजीत बाबू, बाबट्टा बोझे जाच्छे, देवजीत बाबू आवाज पाच्छे ना? देवजीत बाबू की सुनछेन? आछेन? देवजीत बाबू मन से नहीं. अच्छा, ज्योति को समझ में आया? ज्योति आवाज. तो बेसिकली दिस इज हाउ ब्रेक डाउन एंड ब्रेक इवन वर्क्स. मतलब जब आपको आप पहले बाई करते हो फिर सेल करते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक कॉल ऑप्शंस बायर का जो सोच है, अजय जो कर रहा था, ठीक है, वो बेसिकली सोच रहा था कि कब मार्केट में 500,000 क्रॉस करके जमीन का दाम 600,000 होगा. तो जैसे ही 500,000 क्रॉस करके 600,000 होगा उसका ब्रेक इवन चालू हो जाएगा. मतलब 500,000 इसे ब्रेक इवन या 600,000 इसे ब्रेक इवन. ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेलर बन रहे हो, अब कॉल ऑप्शन सेलर का क्या है, कॉल ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बियरिश सोचते हैं या फिर फ्लैट सोचते हैं, या तो मार्केट गिरेगा या तो फ्लैट रहेगा. जो ये सोचता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन सेलर का जो परसेप्शन है, पुट ऑप्शन सेलर का भी परसेप्शन कुछ सेम है, बट दोनों सेम तरह से काम नहीं करता सर. ठीक है, दोनों सेम वैसे काम नहीं करता, बट हाँ दोनों ही प्रीमियम कलेक्ट करता है. ये भी प्रीमियम कलेक्ट करता है, ये भी प्रीमियम कलेक्ट करता है ना, और ये दोनों प्रीमियम पे करता है. ये दोनों ही प्रीमियम पे करता है, जो बाई करेगा वो प्रीमियम पे करेगा, जो सेल करेगा वो प्रीमियम कलेक्ट करेगा. लेकिन दोनों सिचुएशंस में कॉल ऑप्शंस में एज वेल एज पुट ऑप्शंस में, सिचुएशन टू सिचुएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफर करता है. थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं बोलूंगा, बट दोनों एक नहीं है सर. ठीक है, लेकिन कितना एक है और कितना अलग है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉल पुट को एक करके समरी करूंगा, और फिर मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा मतलब और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, जिसमें मनी नेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पर आप मनी के साथ कब रहोगे, मनी के छोड़ के कब रहोगे, विद द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा सर. तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है,
जो प्रॉफिट होगा वो प्रीमियम तक ही होगा, इन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसलिए ब्रेकडाउन बोल रहा है तो। हाँ सर ऑब्वियसली, ठीक है, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है इसलिए वो उसको ब्रेकडाउन कहा जा रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है इसलिए वो ब्रेक इवन के साथ जा रहा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसी तरह से काम कर रहा है। अब देखिए ये इनका कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है, ये अपवर्ड सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट करेगा तो अपवर्ड प्रॉफिट करेगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट करेगा तो इधर अपवर्ड प्रॉफिट करेगा, ठीक है, तो ये ब्रेक इवन जोन में है, बट यहाँ पर ये ब्रेक डाउन जोन में है, डाउन अप, ये डाउन, ठीक है। अब ये था आज पुट ऑप्शंस बायर का, सॉरी पुट ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो पुट ऑप्शंस सेलर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हम लोगों को। अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, सैटरडे वाले क्लास में मैं पुट कॉल को एक करके रैंडम वे में बात करूँ, ठीक है, कि कब कॉल करना चाहिए, कब पुट करना चाहिए, कब कॉल बाय करेंगे, कब कॉल सेल करेंगे, कब पुट बाय करेंगे, कब पुट सेल करेंगे, ठीक है। अब ये परसेप्शन बन गया सर, हमें ये आइडिया जो धारणा चाहिए था हमें वो आइडिया या कॉन्सेप्ट हुआ, बट अब इस कॉन्सेप्ट को अभी धीरे धीरे हमें समरी करके इसको एक साथ एकजुट करके माइंड के अंदर बिठाना है, ताकि हम लोग मार्केट में इसको रैंडम वे में काम कर पाए, ठीक है, तो उसका चर्चा नेक्स्ट क्लास में रखेंगे सर, ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, टाटा बाय, ओके टाटा सर, हेलो, हाँ जस्ट बोलो सर।